हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेक्शन सी से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, मतलब NaOH के साथ व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट करता है। व्हाइट फॉस्फोरस आपका होता है P4 व्हाइट। तो ये जो है प्रोडक्ट बनाता है PH3+ Na H2PO2, PH3+ Na H2PO2। ये वाला रिएक्शन जो है यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट PH3+ दिस बनता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये रिएक्शन पढ़ना होता है, मतलब ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए कि व्हाइट फॉस्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे दे दिया है तो आपको कोई दिक्कत तो है नहीं, नहीं भी देता बस पूछ लेता है कि जब व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट करेगा कॉस्टिक सोडा के साथ तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन है। तो एक्चुअली में जो है ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम मोल कॉन्सेप्ट के टाइम ही बताए थे, यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस कर रहे हैं तो मोल कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ ही लिए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। तो देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये तो होगा ही नहीं, जब भी होगा तो रिडॉक्स होता है, मतलब अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, दोनों साथ साथ होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता है। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन तो नहीं हो सकता है, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन दोनों होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का ही एग्जाम्पल है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। फॉस्फोरस 0 से -3 में रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन भी होगा। तो फॉस्फोरस ही 0 से +1 में ऑक्सीडाइज होता है, Na H2PO2, इसमें फॉस्फोरस +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो 0 से -3 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स में भी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिया हुआ है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एग्जाम्पल होगा। न्यूट्रलाइजेशन तो होगा नहीं, न्यूट्रलाइजेशन आपका एसिड प्लस बेस, ये जब रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है, मतलब एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल रिएक्शन रहता है ये, एसिड प्लस बेस से साल्ट प्लस वाटर बनता है, तो उस केस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, इफ यूरेनियम मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, यूरेनियम आपके पास 238 और 92, ये जो है अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है, मतलब हीलियम 4 2 अल्फा पार्टिकल्स इमिट करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो मान लीजिए कि ये अल्फा पार्टिकल इमिट किया और एक्स एलिमेंट बनाया, और एक्स का एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है, तो आप देख लीजिए 92 इक्वल टू Z+2 होना चाहिए। तो 92 इक्वल टू Z+2, तो जेड का वैल्यू होगा 92 -2 90, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 90। ऑप्शन ए रिजेक्टेड, BCD में 90 है, तो मास नंबर आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में यहाँ भी 92 यहाँ भी 92 रहता तो आपको मास नंबर कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं होता, क्योंकि एटॉमिक नंबर 90 आया वो एक ही ऑप्शन में होता तो आप आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ 3 ऑप्शन में 90 है तो आपको मास नंबर भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो मास नंबर होगा 238 इक्वल टू A+4, तो यहाँ से मास नंबर आता है 238 -4 234, तो 234 मास नंबर और एटॉमिक नंबर 90, ऑप्शन बी। तो जो प्रोडक्ट होगा उसका मास नंबर होगा 234 एंड एटॉमिक नंबर होगा 90। अब इसी में एक पॉइंट बता रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है इसमें अगर यहाँ 238 के जगह 236 रहता तो हो सकता है कि एग्जाम में हम ये क्वेश्चन गलत कर देते। क्यों? तो एक्चुअली में जब हम एटॉमिक नंबर 90 निकाले तो देख लिए कि 3 ऑप्शन में 90 है, और मास नंबर जो है 3 ऑप्शन में 236 लिखा हुआ है, तो ज्यादा चांस है कि मास नंबर 236 ही होगा। तो हम एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर 236 मानते और ऑप्शन डी मार देते, जो कि गलत हो जाता, एक्चुअली में यहाँ 234 आ रहा है मास नंबर कैलकुलेट करने के बाद। तो कभी भी तुक्का मारने का कोशिश तो कीजिए ही नहीं, भले ज्यादा चांसेस रहता, अगर ये 3 ऑप्शन में 236 रहता ना तो ज्यादा चांसेस है कि मास नंबर 236 ही आएगा,
लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो कितना ही टाइम लग रहा है, देख के ही पता चल रहा है यहाँ 234 होगा, तभी 234 + 4 238 आएगा। तो तुक्का मारने का जरूरत ही नहीं है। जितना देर में आप तीन ऑप्शन देखिएगा कि यहाँ 236 है तो 236 होना चाहिए, उतना देर में तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाँ, अगर ट्रू फॉल्स रहता है, मतलब दिया हुआ है चार स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, इसमें आपको 1, 2 और 4 के बारे में हो सकता है कंफर्म आप है कि ये तीन स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, और थर्ड स्टेटमेंट के बारे में आप कंफर्म नहीं है। तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, थर्ड में कुछ रहेगा, तो मान लीजिए कि ऑप्शन ए में यहाँ थर्ड में ट्रू है, फिर कुछ भी फॉल्स ट्रू, इस तरह से फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, इस तरह से। तो आप अगर देखिएगा कि थर्ड स्टेटमेंट है वो पता नहीं है, तो तीन जगह जो है थर्ड स्टेटमेंट में ट्रू आ रहा है, तो ज्यादा चांस है कि थर्ड स्टेटमेंट ट्रू होगा। तीन ऑप्शन में अगर थर्ड स्टेटमेंट ट्रू लिखा हुआ है तो ज्यादा चांस है, इसमें भी गारंटी नहीं, हो सकता है फॉल्स हो जाए, लेकिन अगर तीन स्टेटमेंट में आप मेहनत कर चुके हैं तो थर्ड स्टेटमेंट में रिस्क ले सकते हैं कि हो सकता है ट्रू ही होगा, तो आप इसको ट्रू मान के ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, कोई ऑप्शन है मतलब उस तरह से ऑप्शन भी बना हुआ रहेगा। ये तो हम एज्यूम करके चार ऑप्शन बना दिए हैं, तो मान लीजिए कि चौथा ऑप्शन है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें अगर आप पूरा तुक्का मारना चाहते हैं तो फिर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि चारों ऑप्शन में स्टेटमेंट फर्स्ट के बारे में क्या है, तो ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, ट्रू है, तो ये तो टाई हो गया, दो फॉल्स है, दो ट्रू है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को भी रहने दीजिए, सेकंड फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ ट्रू ही लिख दीजिए, सेकंड सॉरी फॉल्स है ना, तो तीन जगह ऑप्शन इस तरह से है कि फॉल्स फॉल्स लिखा हुआ, एक जगह ट्रू है, तो तीन जगह ऑप्शन में फॉल्स लिखा हुआ, मतलब स्टेटमेंट टू का ज्यादा चांस है कि स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। सिमिलरली ये, तो ये तीन जगह ट्रू है तो ये ट्रू होगा, सिमिलरली फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, तो फोर्थ स्टेटमेंट में भी तीन जगह ट्रू लिखा हुआ है तो इसका भी चांस है कि ट्रू होगा, मतलब फॉल्स ट्रू ट्रू। देख लीजिए फॉल्स ट्रू ट्रू यहाँ पे है, फॉल्स ट्रू ट्रू यहाँ पे भी है। अब फॉल्स और ट्रू में तो या तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है या फॉल्स है, तो आप ज्यादा एक्यूरेसी से मार सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप कंफर्म नहीं है तो एक आध स्टेटमेंट के बारे में तुक्का मार सकते हैं चारों ऑप्शन से, इस तरह से चेक करके। ज्यादातर अगर तीन ऑप्शन में स्टेटमेंट के बारे में ट्रू लिखा हुआ है तो ज्यादा चांस है कि वो ट्रू ही होगा। हम जो है ऐसा बहुत बार किए हैं जब हम एग्जाम देते थे, उस टाइम आपके साथ हो सकता है गेम खेला गया हो, लेकिन ज्यादातर आपका सही हो जाएगा, मतलब ये लॉजिकल तुक्का माना जा सकता है, ये पूरा पूरा तुक्का नहीं है कि कुछ भी ट्रू फॉल्स जय माता दी बोल के ट्रू फॉल्स लगा दिए हैं। ऑप्शन चेक करके कीजिएगा तो ज्यादा चांस है कि सही होगा। मेरा भी बहुत बार सही हुआ है, कभी कभी गेम भी हो गया था कि एक ऑप्शन फॉल्स था, हम सोचे तीन ऑप्शन में ट्रू लिखा हुआ है तो ट्रू ही होना चाहिए, और बाद में पता चला कि फॉल्स था, लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है, क्योंकि तीन ऑप्शन तो आप कंफर्म चेक कर चुके हैं, एक ही ऑप्शन चेक करना था और उसमें भी तीन जगह ट्रू लिखा हुआ है तो कम चांस है कि गलत होगा, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। उसी तरह से ऑप्शन में भी होता है, अगर तीन ऑप्शन में मास नंबर 236 है तो ज्यादा चांस है कि मास नंबर 236 ही होगा। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तब तुक्का मारिए, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन आ रहा है फिर भी आप जबरदस्ती तुक्का मार रहे हैं। टाइम कितना ही लग रहा है, 234 इक्वल टू a+4 करने से डायरेक्ट आ जा रहा है 234। इसके बाद नेक्स्ट है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्केटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल शॉर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम है, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन। तो जब रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हुआ अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट से, तो पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और बाकी सारा स्पेस इम्पटी होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो ये पता चला कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है, एटम है न्यूक्लियस। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ सीओ इज, तो ये भी मोल कॉन्सेप्ट के बाद ही आपसे बन जाना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेम होना चाहिए, तो सीओ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, तो सीओ के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इन सभी ऑप्शन में जिसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा सीओ के साथ। Cn- कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, निगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया है तो +1, तो ये हो जाएगा 6 + 8 14। Cn- के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है सीओ के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब सीओ एंड Cn-
आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप इन सभी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, दो ऑक्सीजन 8 × 2 = 16 प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो -1 हो जाएगा, तो O2 प्लस के पास 15 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्सीजन 16, निगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो +1 हो जाएगा, तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है O2 माइनस के पास। N2 प्लस नाइट्रोजन के पास 7 होता है, दो नाइट्रोजन 7 × 2 = 14 प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है N2 प्लस के पास। तो सिर्फ Cn माइनस के पास ही 14 इलेक्ट्रॉन है, बाकी किसी के पास 14 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिर्फ यही आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। ऐसे ही सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है, तो अगर 8 आ गया तो इन सभी में 14 इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप में। इसके बाद 5, एनी पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू, तो पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल रहता है और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है, तो ऑप्शन बी 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, तो 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होगा, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होगा, पैरेलल अपोजिट तो बाद का बात है। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू द, ऑप्शन है साइज ऑफ ऑर्बिटल, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस। तो ओरिएंटेशन जो है ये तो सब सेल पे डिपेंड करता है, मतलब एस सब सेल है या पी सब सेल है या डी सब सेल है या एफ सब सेल है, तो ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। एल एंड एम वैल्यू पे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे जो है साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड करेगा, मतलब अगर 1s है और 2s है तो शेप तो दोनों का स्फेरिकल ही होगा, लेकिन 2s वाले का साइज बड़ा होगा 1s से। सिमिलरली 2p और 3p है तो दोनों डम्बेल ही होगा, लेकिन साइज जो है 3p का ज्यादा होगा 2p से, क्योंकि ये थर्ड सेल का p ऑर्बिटल है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू अगर ये बढ़ता है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज करता है, और शेप तो वही रहेगा चाहे 2p रहे या 3p रहे या 4p रहे, बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा तो साइज ऑफ ऑर्बिटल चेंज होगा। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला बता चुके हैं, इसमें कहीं पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू यूज नहीं होता है, तो ये कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर रूट L × L+1 h/2π, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर रूट s × s+1 h/2π। तो स्पिन में s का वैल्यू आता है स्पिन क्वांटम नंबर का, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में l का यूज आता है, तो कहीं भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद 7th है, रदरफोर्ड्स स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द, ऑप्शन में न्यूक्लियस, एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जब हुआ था तो ये स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस के साइज पे डिपेंड करता है, जितना साइज न्यूक्लियस का होगा उसके आसपास जितना भी अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से पास करेगा उस वाले अल्फा पार्टिकल्स का अच्छा खासा डिफ्लेक्शन होगा जो न्यूक्लियस के आसपास से क्रॉस करता है, बाकी तो अल्फा पार्टिकल जो है अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाता है गोल्ड फॉइल को। तो न्यूक्लियस के साइज से ये रदरफोर्ड स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड है, कितना साइज है न्यूक्लियस का, उस जैसे ये पूरा एटम का साइज है तो न्यूक्लियस के आसपास जो अल्फा पार्टिकल्स रहेगा उसका तो अच्छा खासा डिफ्लेक्शन होगा, बाकी पूरे एटम में अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएगा अल्फा पार्टिकल्स। तो रदरफोर्ड स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट साइज ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड है, ऑप्शन ए। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ ई बाय एम फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ई बाय एम रेशियो बताना है इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का
स्पेसिफिक चार्ज होगा ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई बाय एम रेशियो प्रोटोन। तो चार्ज तो प्रोटोन पे ई ही रहता है, लेकिन मास ऑफ प्रोटोन जो है मान लीजिए एम पी, तो ई अपॉन मास ऑफ प्रोटोन होगा। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है मास ऑफ प्रोटोन से, तो डिनोमिनेटर बहुत ही कम है, तो ओवरऑल वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा ई अपॉन एम पी से। तो स्पेसिफिक चार्ज जो है प्रोटोन से ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के केस में चार्ज तो जीरो होता है, तो जीरो अपॉन समथिंग इसका वैल्यू तो जीरो ही होगा, तो स्पेसिफिक चार्ज इसका जीरो हो गया। ई अपॉन एम पी इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, तो इससे कम ही होगा न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, तो न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज प्रोटोन से भी कम होगा। उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल्स आपका होता है हीलियम 4 2, तो चार्ज इस पे है 2 यूनिट, 2+ रहता है, हीलियम 2+ आयन रहता है, तो चार्ज इस पे है 2 यूनिट, तो 2e चार्ज है, और हीलियम का मास जो है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन होता है, तो मास ऑफ हीलियम होगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन, तो ये e अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटोन होगा। तो इसका स्पेसिफिक चार्ज प्रोटोन के स्पेसिफिक चार्ज का हाफ है, मतलब प्रोटोन से कम स्पेसिफिक चार्ज है अल्फा पार्टिकल्स का, तो प्रोटोन से कम होगा, लेकिन न्यूट्रॉन से तो ज्यादा होगा क्योंकि न्यूट्रॉन का तो ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन का सबसे कम, उसके बाद अल्फा पार्टिकल, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू है, न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन और अल्फा नहीं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी। तो ये वाला ऑप्शन स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले लोवेस्ट वाला को रखना है, उसके बाद हाइएस्ट, फिर हाइएस्ट, फिर हाइएस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। तो रुबिडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट बताना है, करेक्ट सेट कौन सा है। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है रुबिडियम का 37, तो एटॉमिक नंबर 30, जिंक तक का तो बता ही थे, आर्गन 4s2 3d10, 3d के बाद नेक्स्ट हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है 4p, उसके बाद 5s, तो 3d10, यहाँ तक तो 30 होगा रुबिडियम के केस में। उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है, तो 4p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल अप हो सकता है, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4p6, उसके बाद 5s1। तो ये जो आर्गन 4s2 3d10 4p6, ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आ जाएगा, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर 36 इनर्ट गैस है, क्रिप्टन आर्गन के बाद हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन आता है, तो क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो रुबिडियम का आप लिख सकते हैं क्रिप्टन 5s1। आउटर मोस्ट शेल आपका ये वाला है 5s, तो 5s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसका आपको करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर बताना है, तो 5s, तो n इक्वल टू 5 होगा, s सब सेल है, तो s सब सेल है, तो l इक्वल टू 0 होगा, तो n का वैल्यू 5, l का वैल्यू 0, m m जो है माइनस l से l तक वेरी करता है इंक्लूडिंग 0, l इक्वल टू 0 है कोरस्पॉन्डिंग, m का एक ही वैल्यू होगा m इक्वल टू 0, तो l 0 तो m भी 0। अब स्पिन या तो +1/2 होगा या -1/2 होगा इस इलेक्ट्रॉन का, तो 5 0 0 +1/2 और -1/2, 5 0 0 +1/2 ऑप्शन है, बाकी कहीं पे -1/2 नहीं होगा, अगर +1/2 लिखा हुआ है तो -1/2 नहीं होगा, क्योंकि अगर -1/2 लिखा जाएगा तो ऑप्शन सेम हो जाएगा, तो दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसलिए +1/2 ही रहेगा, बाकी अगर आप देखिए तो NLM का ही वैल्यू कहीं पे सेम नहीं है, तो NLM 500 नहीं है, तो ये सब तो ऐसे भी रिजेक्टेड है, ये सब में -1/2 ही लिखा रहे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, NLM तो फिक्स है ना, ये तो यही होगा 500। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है या तो हाई स्पिन वाला होगा या लो स्पिन वाला होगा, अगर हाई स्पिन वाला है तो स्पिन का वैल्यू +1/2, अगर लो स्पिन वाला रहता तो स्पिन का वैल्यू -1/2 होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।